आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के गंगाधार थाना क्षेत्र के गांव पारा पीपली के पास चंबल व छोटी काली सिंध नदी के संगम स्थल पर अज्ञात व्यक्ति की लाश तैरती मिली। हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने बताया कि आज पारा पीपली सरपंच से मोबाइल पर सूचना मिली थी कि नदी किसी व्यक्ति की लाश तैर रही है, जिस पर पुलिस उप अधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी, थाना प्रभारी बाबूलाल मीना, मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे एवं शव कब्जे में लेकर स्वास्थ्य केंद्र चौमहला लाए, जहां पोस्टमार्टम करवाकर लाश की शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर आपकी राजस्थान से, आबिद हुसैन आनू की रिपोर्ट। सरपंच प्रतिनिधि विष्णु प्रसाद मेघवाल जी, ग्राम पंचायत पारा पीपली ने जरिए मोबाइल सूचना दी कि काली सिंध नदी पर एक अज्ञात लाश नदी के किनारे तैरती हुई नजर आ रही है, जिसने ऊनी टोपा व पैंट शर्ट व काली जर्किन पहने हुए है, जिस पर श्रीमान सीओ साहब, एसएचओ साहब व मैं जाप्ते के मौके पर पहुंचे, जिस लाश को कब्जे में लेकर अस्पताल चौमेला आए, जिसकी सुपुर्दगी व पहचान की प्रक्रिया को व पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अपनाई जाएगी व अन्य टीमें शिनाख्त की हेतु नज़दीकी थानों पर भेजी गई।